नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप एक यूट्यूबर है और वीडियो बनाकर अपने वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड करते हो। यह वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए खास है। हम अपने वीडियो को अपलोड करते हैं तो अपने वीडियो के लिए यूट्यूब से लाइसेंस कैसे ले, और यह बहुत ज़रूरी है लाइसेंस लेना। अगर आप अपने YouTube की वीडियो के लिए लाइसेंस लेते हो तो कोई भी आप की वीडियो को अपने YouTube चैनल में इस्तेमाल करता है या फिर वीडियो में, तो आप कॉपीराइट दे सकते हो। इसके लिए आप अपने YouTube के लिए लाइसेंस कैसे लेंगे, इसके लिए आप अपने वीडियो के लिए लाइसेंस कैसे ले सकते हो YouTube से, और अपने वीडियो में कैसे यूज करेंगे, और आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी क्यों है, अपने वीडियो में उस लाइसेंस को कैसे यूज करेंगे, किस प्रकार से, उसकी डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले दोस्तों, और इसी प्रकार की वीडियो आपको देखने को मिले। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और अपने YouTube वीडियो के लिए लाइसेंस कैसे लेंगे। तो दोस्तों अभी हम आ गए अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों अगर ये तो आपके पास होगा ही होगा, ये जाहिर सी बात है कि आप एक यूट्यूबर है तो YT स्टूडियो आपके पास होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो आप प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, तीन लाइन पे क्लिक करना है। तीन लाइन पे क्लिक करने के बाद में आगे वाले पेज ऐसा ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, वीडियो पे क्लिक करना है। तो चलिए हमने वीडियो पे क्लिक किया। वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे वीडियो दिख जाएंगे जो आपने अपने YouTube पे अपलोड करके रखा है। YouTube चैनल में वो अपलोड करके रखा है, वो सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर लाइव स्ट्रीम किया है तो यहाँ पे लाइव पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमने कोई लाइव स्ट्रीम नहीं किया, कोई वीडियो नहीं है, तो हम यहाँ पर अपलोड पर ही क्लिक करेंगे तो हम यही वाला वीडियो देखेंगे। अब यहाँ से हम किसी भी एक वीडियो को लेंगे, तो चलिए हम एक वीडियो को ले लेते हैं। ये वाला एक वीडियो ले लिया, पहले वाला, तो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा आपके सामने। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये पेंसिल पे क्लिक करना है। तो हम ये पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आगे वाला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होके आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लाइसेंस एंड ओनरशिप, तो और उसके नीचे स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, ये हमेशा पहले से ही ये सिलेक्ट रहता है। और उसके नीचे आपको यहाँ पे क्लिक करना है ये वाले पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो लाइसेंस मिलेगा देखने को। एक यहाँ पे दूसरा लाइसेंस है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन या फिर लाइसेंस आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो हम अगर ये पहला वाला लाइसेंस यूज करते हैं, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, अगर आपने अपने वीडियो के लिए ले रखा है तो आपकी वीडियो को कोई भी दूसरा व्यक्ति अपने वीडियो में इस्तेमाल करता है, छोटा क्लिप करके या बड़ा करके या पूरा वीडियो को अपने वीडियो में क्लिप करता है, तो आप उसको कॉपीराइट दे सकते हो। दूसरा वाला लाइसेंस है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस या फिर एट्रीब्यूशन, दोनों में से कोई भी लिखा हो मिलेगा आपको। यह लाइसेंस आपने अपने वीडियो में ले रखा है तो आप यहाँ पे, आपको पता है या फिर मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी कोई ना कोई मेरी वीडियो को यूज करेगा ही करेगा, लेकिन मेरी वीडियो को कोई भी यूज करेगा तो उसको भी क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बाद में वो बहुत रोएगा क्योंकि आगे चल के बहुत परेशानी होगा। तो हम क्या करेंगे, ये वाला लाइसेंस लेके रखेंगे हमेशा अपने वीडियो के लिए, क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन सेकंड वाला। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर आप सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आप यहाँ पे क्या करोगे, आप हमेशा अपने वीडियो में यही वाला लाइसेंस यूज कर सकते हो।